पूरी सेना यहाँ पे खड़ी है। तो कहने का मतलब कि वो एंट्रेंस हो गया, वहाँ पे एक गेट, यहाँ पे एक गेट, अब ये भी एक गेट। हाँ। अलग अलग बैरियर्स हैं टू स्टॉप द एनिमी। सही बात है। आपने गेट तोड़ा और सीधे अंदर घुस जाओगी। सही बात है। अभी हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या लाल किले का। देखिए सबसे पहला है कि जो भी लाल किले में झंडा फहराएगा वो मुल्क का बादशाह, तो दिस इज अ सीट ऑफ पावर। अच्छा। दूसरा इम्पोर्टेंस है जब ये सवाल हुआ बाबू समझी, जो यहाँ झंडा फहराएगा वो देश का राजा होगा। ठीक है, आपको प्रणाम। हाँ बनना है, हाँ बनना है। रानी बनना है, रानी बनना है ना, रानी बनना ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर साल आते हैं वो जो जो फ्लैग वाला होता है तो वहीं वहीं पे होता है ना, सामने लाल वाला जीना है। हाँ हाँ। तो वो फ्लैग होस्टिंग के लिए। अच्छा। तो बैरक, तो ये बैरक्स बनाए गए सोल्जर्स के लिए। अच्छा, ये और सारे बैरक है बिल्डिंग है ना ये। अच्छा, कॉलोनियल बिल्डिंग है आपकी। और ये एक साइड ऑफिसर, क्योंकि अंग्रेजों में भी डिवीजन था। अच्छा, सोल्जर्स थे ऑफिसर्स। अच्छा, क्रिकेट। ये बैरक हो गई या बैरक के सामने ये परेड ग्राउंड हो गया? भाई आप इकट्ठे सैनिक कहाँ होंगे? ऑफिसर के पास थोड़े जाएंगे वहाँ पे, सही बात। उसका पर्सनल लाइफ है। हाँ हाँ। तो दिस यूज्ड टू बी अ परेड ग्राउंड फॉर द हाँ, यू सुबह वो मार्च वगैरह करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए असेंबलिंग हो गई। अच्छा बाबू, बाबू देखो यहाँ पे ये जो सारे सैनिक रहा करते थे, ठीक है ना, जो यहाँ पे इसको जो इस किले को जो प्रोटेक्ट करते थे वो सोल्जर्स यहाँ रहते थे, यहाँ पे सारे। समझ में आया? अभी हम लोग दोबारा भी देखेंगे ना इस वीडियो को, तो हम लोग को और समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारा परेड ग्राउंड। हाँ, और ये राइट, ये इधर राइट, इधर लेफ्ट में हो गया और इधर ये राइट में हो गया, मतलब कि बैरक है सारे। अभी आजादी के बाद उसमें इंडियन आर्मी रहती है, उसके बाद खराब हो गई बिल्डिंग, उनको मरम्मत किया गया और अभी ये लाल किला मिस्टर अडानी ने लिया अंडर अडॉप्ट हेरिटेज। अब क्या सबका ठेका हो रहा है, तो भाई इसका भी मेंटेनेंस का जो ठेका है गार्डन का, वॉशरूम्स का, वो मिस्टर अडानी ने लिया, जिसको और हल्का सा सोविनियर शॉप बना रखा है। अच्छा, ये जो फूड कोर्ट आप आ रहे हैं बच्चे के साथ, आपको लग रहा पानी मिल जाए तो चाय पानी भी मिल जाए, तो ये दिस इज मार्केट जो है, ये सोविनियर जो है, ये सेम मार्केट का सामान है। अच्छा, बट ये प्राइस थोड़ा सा सस्ती में मिल गया। माल चोखो है भाया, माल चोखो भाई। ओ बाबू इधर आओ, आए समझ में? क्योंकि पसीना आता है बहुत। अब देखिए सर, अभी हम लोग सीधे आए, अगर हम जिस रास्ते से आ रहे हैं दैट इज नॉट अ कॉमन एंट्रेंस गेट, बिकॉज वो मार्केट था लेडीज का, सो एवरी टाइम लेडीज डिस्टर्ब होंगी तो बंद रहता था। दूसरा गेट हम लोग आ रहे हैं ना, ऑफिसर बंगलो बनाए वहाँ पर दूसरा गेट था, वहाँ से पार्किंग सर है ना। हाँ, पार्किंग के बाद पार्किंग के सामने भाई गेट है ना वहाँ पे। हाँ, तो वो था दिल्ली गेट, अभी हम जिस गेट से आ रहे हैं वो है लाहौरी गेट। अब कोई भी राजा या महाराजा, ये सम्राट है, छोटी रियासत है, बड़ी रियासत का सम्राट है, तो पूरे मुल्क का जो जो टैक्स आ रहा है वो सम्राट को दे रहा है, ये सम्राट है। तो कोई भी राजा या महाराजा आएगा तो हाथियों से आएगा, पूरे रॉयल्टी आप अपने हाथियों से आ रहे हैं, उतने में ये हाथी पोल है आपका। अच्छा, और यहाँ से आप किसी घर जा रहे हैं, ये सामने जो गार्डन बना है ना भाई, आप वहाँ से आए हाथियों से, अब यहाँ उतरेंगे, आप यहाँ उतरेंगे, ये जगह हाथी से उतरने की आपको बोलता है, कोई ब्रिटिश ऑफिसर आ रहा है तो अब आप किसी घर जा रहे हैं, कहाँ उतरेंगे भाई, यहाँ उतरेंगे, अब आप किसी घर जा रहे हो बादशाह के, तो आपको स्वागत चाहिए ना भाई, किसी घर जा रहा है पूछेगा जी स्वागत, क्या मतलब होगा? सही बात है, आपके स्वागत के लिए यहाँ फूल वर्षा होगी, यहाँ से ड्रम हॉल म्यूजिक बजेगा,
फूल वर्षा होगी, बगल में नगाड़े थे, जो नगाड़े का आवाज है कौन आ रहा है, बादशाह आएगा तो म्यूजिक अलग था, मुगल आते थे तो म्यूजिक अलग हो जाता था, और तोपों की सलामी भी जाएगी, जो जितना टैक्स देगा उतने ज्यादा तोपे एंजॉय करेगा, जो जितना टैक्स देगा उसने ज्यादा तोपों की सलाह दी होगी। सही बात है। तो ये वही नौबत खाना है, ये नौबत खाना, वेलकम नौबत मतलब वेलकम होम। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ होता नहीं था, एक स्टे है ये। हाँ। अभी क्योंकि आप बादशाह के महल के अंदर जा रहे हैं, हाँ। तो दिस इज द मेन एंट्रेंस गेट, तो यहाँ पे आवाजें होती थी, भाई आपको स्वागत हो गया, हाँ। अब आप जा गए, अभी क्या है, इसका फर्स्ट इम्प्रेशन, आप किसी घर जा रहे हो पहला, हाँ। तो जो बैठक होगी आप सबसे अच्छा डेकोरेट करेंगे। सही बात है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा सोना लगा हुआ है, सोना, अच्छा, यू नीड टू बूस्ट योर वेल्थ टू द पीपल, आप सम्राट हैं, सही है, तो आपने बहुत सारा सोना लगाया, जो लोग एंटर कर रहे हैं जॉज आर ओपन कि भाई हम कहाँ आ गए, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कमरे जो है, जो भी आपके साथ वो जमा करेंगे, तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, क्योंकि एक ड्रम हॉल है ये, ये म्यूजिकल हॉल है, तो जब आप म्यूजिक प्ले करेंगे तो साउंड वाइब्रेशन जो है वो वाइब्रेट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो व्हाट यू डू मैन, आप तो ऐसा करेंगे और आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे मैं आ जाऊँ, अच्छा ये यहाँ पर आप, मैं बस ट्राई बोलिए, कोने में सीखा, कोने में, हाँ ये कोने में आओ, बाबू बाबू को सुना दे एक बार, एक बार बाबू को सुना दे, बाबू बोलो बोलो, बाबू बाबू आवाज आ रही है, हेलो हेलो बाबू, ये चीज है ना, ये पहली बार फील हुई, हाँ। तो इसमें इको ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ड्रमिंग वमिंग होती होगी तो एकदम गूंज बजती होगी, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है पूरा एकदम, ऐसे कह लो है, नहीं अभी जो भी फूल पत्तियां देख रहे हैं ना यहाँ पे, अच्छा, लेकिन अभी अभी तो सब टाइम खजाना होगा, लुटेरा भी वही आएगा, सही बात है, और क्या, तो नादिर सा आया, अब्दाली आए, कई लोग आए यहाँ पे, हमने दिल्ली क्या है, सीट ऑफ पावर रही है, जिसको दिल्ली में कब्जा हो गया वो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया, हिंदुस्तान का बादशाह बन गया, हर चीज होगी ठेका पर देखिए, तो अगर आप एक कर्मचारी लगाएंगे हार्ड ग्रेड का भी, तो उसकी तनख्वाह होगी 70-80 हजार, और ठेके पे क्या होगा, नए लड़के आएंगे, जिसने काम नहीं किया गुडबा दूसरा जाएगा, सही बात, जो एक बार सरकारी दमाद बन जाएगा वो कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करते हैं, बाबू देखा कैसा था, कैसे आवाज कर रहा था, है? वो सारी चीजें उस तरीके से, वो ये स्पीकर है, ये स्पीकर है, ये त्रिपाठी जी ये क्या चीज है, ये सब बैरक्स है, और ये क्या, ये वो है क्या, टैंक्स का है ना, सीवेज का सिस्टम, अच्छा सीवेज सिस्टम है, ये टैंक का सीवेज सिस्टम है, इधर ये बैरक है, तो इसमें भी कुछ बना हुआ है क्या खाना पीने वाला, तो इसमें कुछ अभी है, कुछ म्यूजियम इसके अंदर, नहीं नहीं ये सब म्यूजियम है, आपके पास डायरेक्ट कर रहे हैं, इनको हमने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, पहले इंडियन आर्मी रहती थी, आफ्टर इंडियन आर्मी इनको हमने रेनोवेट किया, तो म्यूजियम सबको बना दो, आप टिकट कर दो 80 रुपए, तो ये
राजा को नहीं देखना कि कहाँ बैठता था राजा। ये देखो कितना गजब का है। और दिखा राजा साहब कहाँ बैठते थे। राजा साहब अजीबो शाम नहीं आता है, अजीबो शाम शहंशाह। देखो राजा, ये देखो तो और नजदीक से देखो। अभी देखिए, ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मार्बल है मकरान। अच्छा, उस हार्डेस्ट मार्बल पे सिंगल पीस ऑफ मार्बल है, ये तो ज्वाइंट नहीं है। जो पालकी होता है ना, अच्छा, उसकी डिजाइन का बनाया गया है। और जो ये फूल पत्ती आप देख रहे हैं, ये सब कारीगर आए थे फ्लोरेंस और मिटली। और कंप्लेंट देंगे ना, तो दुखेगा। ये पीछे हॉल बना है, गाली से जो औरतें थी हरम की, वो बैठी नहीं यहाँ पे। उनको भी देखा दरबार में क्या हो रहा है। ये दरवाजा था क्या? हाँ, ये गाली थी। अच्छा, ये भी जाली ही थी। है? ये वाली भी जाली थी। सब जालियां थी यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं ठान लिया है कि मुझे बता लिए आने के लिए। अच्छा, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि लोग भयभीत हो और कोई अपराध नहीं करे। सिंहासन कितना ज्यादा बड़ा, देखिए राजा का सिंहासन। अरे वो मार्बल का राजा का सिंहासन कितना जबरदस्त है। था कौन सा? मकराना मार्बल से बना हुआ था। आयो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर देखेंगे। ग्रीनरी अच्छी है यहाँ पे, शिका ग्रीनरी अच्छी है यहाँ पे। पीछे से सनलाइट और ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी, और ये पूरा खुला इलाका नहीं। लेकिन वो इसमें बहुत, ये तो मान लो थोड़ी से जगह है, तो इसमें हरम कहाँ बनता होगा? नहीं, हरम कहाँ? अभी क्या है, हरम में दिखाता है, टीवी में दिखाता है। नहीं, हरम क्या है, जैसा प्लेस जहाँ पे औरतें रहती है। अब हरम क्या है, इलीगल वाइफ से बादशाह की कुछ रानियाँ हैं, बाकी कुछ उनकी पटरानियाँ बोल सकते हैं। राजा का महल जहाँ पे कपड़े लग जाते थे और रानियाँ वहाँ से मिलने आती थी। किसी से बनाया गया था? ये मार्बल के ऊपर इनले किया गया प्रेसेस को। अच्छा, बहुत सारा सोना गोल्ड पेंट था, लेकिन वो सब लेके निकल गया है। फिर से बना दिया कैसे भी है। ये है यमुना गेट। इस गेट का इस्तेमाल केवल बादशाह करेगा, क्योंकि बादशाह औरतों के पीछे नहीं छुटेगा। वो पकड़ा गया, बोले कहाँ था बात, बोले औरतों के पीछे पकड़ा था। तो वो अपना, दूसरी बात है यहाँ पे कोई इसकी रियल वाइफ नहीं है, तो ये लोग अपने आप मैनेज कर रहे हैं। आप सामने वाले गेट से जाएंगे तो पूरा शहर आपका, आपका प्रोटोकॉल होगा। ऐसे में किसी को नहीं मालूम आप शहर के अंदर हैं या शहर के बाहर हैं। और यहाँ से आगरा तक जमुना, और ये राजा महल के ठीक पीछे है। ये खास महल, दीवाने खास। ये भी तो खास था। नहीं नहीं, ये खास महल है, ये दीवाने खास है। ये पीछे का हिस्सा है ना। अच्छा अच्छा, आम और दीवाने खास, ये वो रंग महल, दो चीजें वो खास है। अच्छा, तो ये हिंदू कॉन्सेप्ट है द्वारपाल। हाथी बना हुआ है जो, हाथी के ऊपर आदमी बैठे ना सब। हाँ हाँ, ये द्वारपाल है। द्वारपाल क्या कर रहा है? बादशाह को प्रोटेक्ट कर रहा है। बादशाह को कैसे आपको खुश करना है, तो सभी जो हरम सारा वो दूर है। अब कुछ सेलेक्टेड रानियां या सेलेक्टेड लेडीज है, वो बादशाह के पास औरतें नहीं आएंगी, इसलिए बाजार बनाया गया था मीना बाजार। दो कॉन्सेप्ट है। अब औरतें जो है ज्वेल, वो एक गहना है। अब तो उनको ज्वेल्स की जैसे देखी जाती है। अब
कोई जश्न था सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आप उनको रानी वानी होती थी तो वो शादी करके आ जाती थी भाई। आपको आप टर्म्स एंड कंडीशन मानूंगा, मैंने आपको लेटर लिखा कि भाई आप ये हमारी शर्तें मानी है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लड़िए या तो मान लीजिए या हमारी शर्तें मानो। अगर आप लड़ते हैं जीत गए तो अच्छी बात, और हार गए तो आपको जो भी हमारी शर्तें होंगी पैसा भी जाएगा और जो औरतें हैं वो जाएंगी। हाँ बेटा नीचे और देख क्या है, नीचे क्या है, नीचे क्या है त्रिपाठी जी, ये तय खाने का रास्ता है। देख रही बाबू ये दरवाजा खुलेगा ना, इसके अंदर पूरा जगह होगी जाने की, 10 फीट का होगा कम से कम। आओ अंदर तो बन गया होगा। ये क्या त्रिपाठी जी, रंग महल जहाँ डांसिंग हॉल। अच्छा ये वुडन होती थी, दूसरा ये ठंडा हो गया। दूसरा क्या है, कोई अटैक करेगा तो औरतें यहाँ पे छुप जाएंगी, पीछे नदी है आप वहाँ से निकल सकते। देखो एक का नाम सीखा है, एक का नाम शक्ति है। ये दोनों शक्ति फेल हो गई, दोनों की शक्ति फेल हो गई फटाफट। है बाबू बस इतने घूमने की शक्ति है, शक्ति शक्ति तो बहुत लगती है। अरे ये बाहर खाए या फिर जरा चांदनी चौक खाए, मस्त पराठे खिलाओ नहीं तो ये दिमाग खा जाएगा। अच्छा जी अगर अगर खाने दे तो दिमाग खाऊंगी पूरा। चलो ट्राई करो, तो मामूली निशान नहीं मिल रहा, मामूली निशान मिलेगा। हाँ अब इस पे पैर रखो, यहाँ पे यहाँ रखो पैर, यहाँ पे उधर से हाँ उधर से इस पे रखो, पैर रखो उस पे, हाँ उस पे रखो। अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ो, हाँ पैर जमा के रखना, पैर अपने अपने सहारे, अपने सहारे पैर जमा के रखो। हाँ ठीक है, हाँ रखो 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 पैर ऊपर कर। पकड़ 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 पकड़। ये ठीक रहेगा पढ़ाई करने का, थोड़ी पढ़ाई कर लो यहीं बैठ के। एंड फॉर स्नैक लाल किले में पढ़ाई, टी फॉर टॉप, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर बॉल, एक्स फॉर ये जब किसी को जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो यही हालत होती है, जैसे इसमें बाबू की हालत है।
थोड़ा थोड़ा भर रहा है अभी, है अभी ज्यादा नहीं भर रहा है। नहीं बेटा बाबू ज्यादा नहीं भरा ना, अभी थोड़ा 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 भरा है। रिक्शे रिक्शे रिक्शे।